नमस्कार दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बाथरूम घर का एक अहम हिस्सा होता है। हर दिन की शुरुआत आमतौर पर यही से होती है, क्योंकि सुबह उठते ही सबसे पहले फ्रेश होने के लिए हम बाथरूम पहुँचते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि बाथरूम सुंदर दिखने के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला हो, ताकि पूरा दिन अच्छा बीते। यही कारण है कि बहुत से लोग बाथरूम में टाइल्स लगवाते हैं और कई एक्सेसरीज से सजा कर रखते हैं। फेस वॉश करने के बाद अथवा स्नान करने के बाद खुद को देखने के लिए लोग बाथरूम में दर्पण भी लगाते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार बाथरूम में दर्पण लगाते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दर्पण दरवाजे के ठीक सामने ना हो। दर्पण का काम होता है परावर्तन, यानी रिफ्लेक्ट करना। जब हम बाथरूम में प्रवेश करते हैं तो हमारे साथ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करते हैं। जब हम सोकर उठते हैं तब नकारात्मक ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक होती है। दरवाजे के सामने दर्पण होने से हमारे साथ जो ऊर्जा बाथरूम में प्रवेश करती है वह वापस घर में लौट आती है। दर्पण के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए बाथरूम में दर्पण इस प्रकार से लगवाना चाहिए ताकि इसका रिफ्लेक्शन बाथरूम से बाहर की ओर नहीं हो। वास्तु में यह भी कहा गया है कि बेडरूम में दर्पण नहीं लगाना चाहिए। बेडरूम में दर्पण का रिफ्लेक्शन बेड पर होने से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। पति और पत्नी में किसी एक की तबीयत अक्सर खराब रहती है। कुछ लोग दर्पण को मुख्य द्वार के सामने लगाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह भी गलत है। इससे घर में आने वाली सकारात्मक ऊर्जा वापस लौट जाती है, जिससे प्रगति की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। तो दोस्तों, ये थे दर्पण से संबंधित कुछ वास्तु टिप्स। अगर आपने को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी मित्रों के साथ इसे शेयर करें। जय श्री राम दोस्तों।